पूजा के बाद भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? हम आपको बताते हैं कि भोग लगाने के बाद प्रसाद के साथ क्या करें। कहते हैं कि नैवेद्य को धातु जैसे सोने चांदी या तांबे के पात्र, पत्थर, यज्ञी लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य एकदम निर्माल्य हो जाता है, इसलिए भोग लगाने के तुरंत बाद ही वहां से उठा लेना चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार प्रसाद को यथासंभव बांटना चाहिए और थोड़ा सा खुद खा भी लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार देवता के पास रखा हुआ नैवेद्य निगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करने के प्रसाद को तुरंत वहीं से हटा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें।